पीएम ने एक बार फिर कन्हैया लाल का जी मुद्दा वहां पर उठाया है जी जी और सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता आज ही कहते हैं कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि देश की संसद में मॉब लिंचिंग होगी, और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे पर जो आपकी पार्टी ने या अन्य पार्टियों ने सबने बहुत धीमी धीमी प्रतिक्रिया दी थी उसको लेकर एक पवाल, और इसी को बीजेपी सबसे बड़ा इश्यू बना रही है। 24 से पहले सनातन पर हमला और इस तरह की वारदात। देखिए अंजना जी, बीजेपी ने तो अपनी चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है, मोदी जी ने भी शुरू कर दी है पोलराइजेशन से। मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर, न्यू हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट, नया सदन में खड़े होकर पहले दिन बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए, कोई भी इस तरह की गरिमा का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सदन के अंदर जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। वहीं पर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप हम सबने देखा कि किस तरह खड़े होकर एक मुसलमान एमपी को इतने सारे अल्फाजों से गालियां दिए जो मैं आपके चैनल के ऊपर बोल भी नहीं सकता हूं अंजना जी। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जब वो गालियों पे गालियां दिए जा रहा था, पीछे दो एक्स मंत्री बैठे थे, हर्षवर्धन भी बैठे थे, प्रसाद जी बैठे थे, दोनों खेके लगा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आपने कन्हैया लाल का जिक्र कर दिया, आपको कहीं ये याद नहीं आया मुसलमान की बात कि इस तरह से आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोले कि इस तरह की भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते? कल तक रस्तों के ऊपर लोगों को गालियां दी जा रही थी, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा था, कभी गाय के नाम पर, कभी जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर गालियां, मॉब लिंचिंग, आप सदन तक बात पहुंचा दी मोदी ने। मोदी ने अपने लोगों को छोड़ दिया कि जाइए आप और मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलिए कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, पोलराइज करिए, कुछ नहीं होगा उनका। बाद में ओम बिरला जी बोल देंगे कि पहली मर्तबा, अरे आपको पता है, मेरे को पता है, आपकी अगर खुशी है तो मैं बोल देता हूँ। नहीं क्या है जय सर, हमारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे ना। जय श्री राम आप बोलते साहब, जानते आप भी जानते हैं जना जी, जे एस आर का मतलब क्या है? जो बोलने मुसलमान नहीं बोलता तो उसको मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। अरे सदन के अंदर अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है अंजना जी। अगर इनको नहीं रोका तो एक दिन सदन के अंदर भी किसी मुसलमान एमपी का मॉब लिंचिंग जरूर होना है। अगर प्रधानमंत्री जी इन बेलगाम घोड़ों के ऊपर अब भी नकेल नहीं कसेंगे तो वो होना है देश के अंदर। देखकर यहाँ तक हम पहुंच गए और उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? अंजना जी आपको पता है, अंजना जी आपको पता है, मैं जब एमएलए था मुझे जबरन बोला गया था कि आप बोलिए भारत माता की जय। जब मैंने नहीं बोला, अगर सदन में बैठना है तो भारत माता की जय कहना ही होगा, जब मैंने नहीं कहा तो सारे बीजेपी के एमएलए और ये सेक्युलरिज्म के चैंपियंस, ये भी कम नहीं है, ये भी सब खड़े हो गए थे और मुझे एक घंटे के अंदर 15 दिन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने तो किसी धर्म विशेष को गाली भी नहीं पका था, मैं तो सिर्फ अपनी बात पढ़ा था कि कोई जबरन अगर मेरे सर पे गन भी रख देगा तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मुझे सस्पेंड किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं? मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे सस्पेंड कर देंगे? और क्योंकि वो बीजेपी का एमपी है जिसने पूरे मुसलमान समाज को गाली दी है, सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दी है, तो उसको आप सस्पेंड नहीं करेंगे? उसको वार्निंग देंगे कि बेटा इस बार तूने गाली दे दी चलेगा, अगली बार गाली मत देना? मतलब वारिस फडन एक बार पूरे सेशन में खड़े होकर गाली दे सकता है, मैं दे दूंगा गाली, उसके बाद में क्या करेंगे ये लोग मेरा? कुछ भी नहीं। तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में खंडन करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री को जो इन्होंने बोला है ना इनके एमपी ने, उसका बराबर अरबी ट्रांसलेशन करा के अपने हबीबी दोस्तों को भेजना चाहिए था, सऊदी में सलमान साहब। वारिस जी एक बार वारिस आपको दिखाइए जरा, मुसलमान वारिस जी बहुत पसंद है, वहां के मुसलमानों को गले लगा लेते हैं। वारिस जी एक सेकंड वारिस जी, इतना ज्यादा आप इस पर बोल रहे हैं लेकिन उन लोगों पर प्रश्न नहीं उठाते हैं जिन्होंने आपको गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, वहां आपकी चुप्पी सध जाती है। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना आपका। एक क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा अंजना जी, यही था मुंबई के अंदर लाल बाग का, इसके अंदर मैं भी गया था, मैंने उस टाइम कहा था गणपति बाप्पा, लोगों ने चिल्लाया मोरिया, मगर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वारिस भाई इस्लाम के विरुद्ध आप अल्लाह से माफी मांगिए। मैंने किसी जाति धर्म के विरुद्ध माफी नहीं मांगा, समझिए, मेरे सारे दोस्त लगाते गणपति, तो मैं कह के लिए उनके अगेंस्ट में जाके बोलूंगा। लेकिन आज आपने अच्छा सवाल वो किया, कट्टरवाद नहीं है, भाटिया को वो कट्टरवाद नहीं है, अगर मेरे से किसी किसी गलती हो गई तो मेरे को माफी, वो कट्टरवाद एक सेकंड चिल्लाइए मत सर, एक तो माइक लगा हुआ है, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग आराम से भी बोलेंगे, तो कट्टरवाद नहीं है वो। अगर आप अपनी श्रद्धा से गणपति बप्पा मोरिया बोलना चाहते हैं तो वो कट्टरवाद नहीं है कि आपको उस पर माफी मंगवाया जाए, जबरन मंगवाया जाए, आपकी इच्छा तो थी नहीं, आप तो मुंबईया हो और मुंबई में हर कोई बोलता है गणपति बप्पा मोरिया, बिल्कुल, लेकिन आप दबाव में आए।
यही डबल स्टैंडर्ड्स का यही डेफिनेशन है मिस्टर पठान। मुझे ये बोला गया कि अरे किसी बच्चे को लिखना होगा ना विद एग्जांपल लिखने, तो उसका एग्जांपल एक वो दे सकता है। गणपति जी का अपमान नहीं किया तुमने ऐसा। प्रोफेसर संगीत राज ठीक है अंजना जी, मैं दो तीन देखिए अंजना जी आपको इस्लाम की कम समझ थोड़ी है कि कोई और आपको बताएगा। संगीत रागी जी देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ धर्म का ये मुद्दा जिसमें पीएम ने भी कन्हैया लाल की हत्या का आज मुद्दा उठाया, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अर्बन नक्सल से जोड़ना, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और किस तरह से ये जस्टिफाई होता है कि अर्बन नक्सल से जुड़े हुए हैं, इनके ट्यूटर्स भी एनजीओ वाले हैं, ये कैसे जस्टिफाई होता है? देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में आकर के कहा कि हमने रिसर्च किया है, तीन ही ओबीसी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, तो यह इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है बराबर कहते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ओबीसी आरक्षण जो है वो कब से शुरू हुआ है। यदि 1992 को भी आप बेसलाइन मान लेंगे तब भी वहां से सेक्रेटरी यहां तक आते आते कम से कम इतने वर्ष तो लगते हैं। तो एक प्रकार से राहुल गांधी ने अपने ही सरकारों पर तमाचा मारा, ये मेरा कहना है। और चूंकि ये माना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, क्रॉस पार्टी लाइन ये जानते हैं कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो मूलतः जेएनयू ब्रिगेड से आते हैं, इसलिए इस प्रकार की वो सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब रही ओबीसी आरक्षण की बात, देखिए 2014 के बाद विकास सामाजिक न्याय हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसने पूरे समाज चुनाव के सारे समीकरण को अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देखेंगे कि जो ओबीसी वोट बैंक था रीजनल पार्टीज का, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का अपना एक सामाजिक सोशल बेस था, इसके बाद लालू प्रसाद यादव का अपना बेस था, नीतीश जी का अपना बेस था, आप लोकसभा के चुनाव में आप जाकर के देखेंगे तो इस सारे सामाजिक समीकरण को नरेंद्र मोदी ने अस्त व्यस्त कर दिया है। 2014 से 2019 तक आते आते सक्सेसफुली फिर से खड़ा नहीं कर रहे हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, 2014 से लेकर के 2019 तक आ पाएंगे तो ओबीसी का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को वो 44% हो गया है। यही कारण है कि बीएसपी और एसपी दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं तब भी पीट जाते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आती है तब भी पीट जाते हैं, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी में 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा उसको मैंडेट मिलता है। आप 16 पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी जीती थी जिसमें 15 ऐसे थे, दो थे, 14 ऐसे थे जिसमें 50% से ज्यादा उसको मैंडेट मिला था, एक लालमुनि चौबे थे और दूसरा जो है वो एक सांसद थे, उन्हीं का वोट जो है वो 49% और 46% के आसपास रहा था। तो ये जो मैंडेट है बड़ा मैंडेट, राहुल गांधी को ऐसा लगता है, राहुल गांधी से सवाल है जरूर पूछा जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से, आपके पास 11 में आपके पास था सारा डेटा था, आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने के बावजूद भी हमको ओबीसी वोट बैंक हमारे साथ नहीं आ रहा है। वो ओबीसी वोट बैंक जो इनका गढ़ हुआ करता था और जितने क्षेत्रीय पार्टियां थी वो ओबीसी वोट बैंक को इनसे छीन करके कांग्रेस को पीटा है। अब इनको लगता है कि जो 80-20 का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग 2019 में करना चाहते थे, जिसका सलाह अर्बन नक्सल ने इनको दिया था कि भाई 20% जो है वो मुसलमानों का कंसोलिडेटेड वोट बैंक पर आप काम कीजिए और हिंदू समाज तो जातियों के आधार पर बटा है, इसको आप तोड़िए। मुझे लगता है यही कारण है कि वो ओबीसी की राग अलाप रहे। एक बात और, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण ने आज चुनाव की जमीन तैयार कर दी है। हिंदुत्व सनातन का मुद्दा आने वाले दिनों में रहेगा, क्या कारण है कांग्रेस ने ये सब शब्द बोला भी नहीं है जो आप एजेंडा नहीं बोला है, नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन एक ढंग से आप यदि सरतन से जुदा करने की बात यदि प्रधानमंत्री ने उठाई तो वो बातें जरूर आने वाले दिनों में आएगी। सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप है, इसका मतलब है कि आप सनातन के मुद्दे पर सनातन को खत्म करने की बात जो है वो तमिलनाडु की सरकार करती रही है। 1976 से 5 लाख किलो सोना, 5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिरों से छीन करके उसको मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गला करके 11 करोड़ रुपए वसूली करती है हर साल इंटरेस्ट के रूप में, और वो पैसा कहां जाता है? हिंदू मंदिर पर। 44,000 मंदिरों में से आज ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनके पास आज दोनों शाम पूजा और आरती नहीं होती है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी के साथ समर्थन में खड़ी है। तो सनातन का जो खत्म करने की साजिश तो डीएमके की वो वास्तविक है और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए।